तो दोस्तों पिछले वीडियो में बनाए थे मुनगा के फूल का, ये है किस चीज़ का है, राहर बोलते हैं उसका है, अरहर की फूल है ये, देख सकते हैं इसको उसी तरह उबालेंगे और बनाना है। इसका फल ऐसा होता है। अरहर है दोस्तों ये। किसी दिन आप लोगों को इस फूल का पेड़ को भी दिखाएंगे, ऐसा तो अरहर का फूल है ये, तो इसको अभी उबालेगी। तो नमक भी डाल रही है थोड़ा। अभी 15-20 मिनट आधा घंटा जैसे लग जाएगा इसको उबलने में। तो दोस्तों ये उबल चुका है। अब एक बार आलू को भी उबालना पड़ेगा दोस्तों, यही पानी से उबाल लेंगे, ऐसा तो पहले उबाल देने से बढ़िया होता। तो करेला आलू को छील लिया है, सब ऐसा रेडी है, प्याज सब भी काट लिया है। तो दोस्तों पूरा टेस्टी, मतलब सेंट दे रहा है और हो गया है रेडी। बंद कर दीजिए करना जी। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्या है बता दीजिए आप ही करीना जी। तो दोस्तों ये राहड़ का फूल है और आलू टमाटर सारे मिक्स करके बनाया है पूरा दाल की तरह। और इधर रात का सब्जी, और इधर रात का सब्जी है, और इधर आम का अचार। आम का अचार। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, आज कितना तारीख है? 6 तारीख। 6 तारीख दोस्तों, तो 5 तारीख को 5 सितंबर था। 5 सितंबर, सॉरी 5 तारीख को मतलब बसंत पंचमी था, और आज 6 तारीख को हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं रात भर दोस्तों जागरण किया हुआ हूँ, नाच गान किया हूँ, तो हम लोग बोलो कोला चैनल है उसमें सब वीडियो कॉल मिल जाएगा। आज तो वहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा मेरा चेहरा सब डाउन है और बहुत ज्यादा हमको नींद भी लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि खा पी के अभी सो जाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए करना जी, मिलेंगे दूसरा दिन। करीना हंस रही है।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमको तो नींद भी बहुत लग रहा है, वैसा तो आज ममता बाबू नहीं खाएंगे क्योंकि खेलने में वो सब बहुत व्यस्त है, जिधर सरस्वती पूजा हुआ था उधर। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पहली बार हम लोग का चैनल में आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।